अरे यार रुखसाना, और बस इधर रुक जाओ। क्या सोचा है? क्या सोचूं? ये देखा जो है, अभी सोच लिया है। माशाल्लाह मकान तो बहुत अच्छे हैं, खुले भी हैं। चलो जी माशाल्लाह फाइनली पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुझे हुए थे, अगर 30 रोजे बनते हैं तो फिर पांचवा आ जाएगा। इधर जो वो सब्जी उगाते रहते हैं ना, देखो बहुत ही प्यारा प्लाट है। बहुत अच्छा, अगर ये मिल जाता ना हमें, ड्राफ्ट भी है। अगर पैसे हम हमारे पास कुछ होते तो हम ये ले लेते। ये 2 लाख रुपए मरला है, हमारे बहन भाई देखते हैं इंशाल्लाह। 2 लाख रुपए मरला है, ये बनेगा 20 लाख का, 10 मरले। माशाल्लाह सोने सोने से जानवर खड़े हैं, जिसको भैंस बोलते हैं, गाय बोलते हैं, वो इधर खड़ी हुई है। हाँ, जो हमारी गाय थी ना, इस कलर की थी। माशाल्लाह, सब ने माशाल्लाह कहना है जी। ये तो ड्राफ्ट भी है साथ में। हाँ, ये मजे का जंगल बना हुआ है। ये ऐसे क्योंकि जानवरों की छांव बनी हुई है, जानवरों की छांव जैसे है, ऐसे आप पे भी हो जाती है। और खूबसूरत कितनी है। हाँ, खूबसूरत कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफात फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलते इसी दुआ नल व्लॉग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का टाइम हो चुका है, हम भी हाजिर हो चुके हैं। तो अभी सहरी का खाना बना रहे हैं, आप सब ने हमारे साथ रहना है। तो जैसे ही सारी का खाना बनाते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। इधर जो है दरवाज़ा खटखटाया है, देखते हैं कौन आया है इस रात को। लगता है कोई बिलोगा आया हुआ है। लंबरदार। हाँ जी, इतनी रात गए आ गए। हाँ, इतनी रात आ गए। इतनी रात को आ गए। हाँ जी, मैंने आपको पता है ना, कल भी आए तो आज भी आए। अच्छा। हाँ जी, चले चले आ जाओ, खाना बना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, माशाल्लाह जी, आटा गूंदा जा रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और चाय चढ़ा दी है। चाय की टेक्सी चढ़ा दिया, दूध की तरफ दूध उधर विंडो पे खड़ा, मैं ले आता हूँ। हाँ जी, ले आओ, पानी बॉयल होने वाला है। अच्छा जी। ये खड़ा है दूध और दही, जो मैं लेके आया था। अभी ले चलते हैं उधर किचन में, फिर बनाते हैं चाय। ये आ गया दूध और दही। माशाल्लाह जी, दूध भी ऐड हो रहा है। ये देखे माशाल्लाह, सारा दूध डाल दिया। हाँ जी, रखना था। सही, रखना नहीं था, बस डेली जो ले आते हैं चाय बनाते हैं ना। हाँ जी। हाँ, पहले बुशरा और सुमैया पीती थी ना, मैंने कहा अभी तो उनको जुकाम खांसी हो गई है ना, इसीलिए जो है हम नहीं रखते। हाँ जी, वो चाय भी पियेंगे। दही। हाँ जी। अच्छा, दही मैंने कहा बर्तन में डाल के रख दो। आज तीसरा जुम्मा है माह रमजान का। हाँ जी, है ना जी। माशाल्लाह, आज तीसरा जुम्मा है, आज तीसरे जुम्मे का रोजा रख रहे हैं हम। हाँ जी, आज माशाल्लाह 18वां रोजा है। 18वां रोजा है ना। हाँ जी, हाँ जी, आज 18वां रोजे की सहरी कर रहे हैं, तैयारी हो रही है जी। बाकी 12 रोजे। हाँ, ऐसे ना 12 ना, हम तो 12 गिने गए आगे। आगे पता कितने होते हैं इंशाल्लाह। हमारी दुआ तो है जो 30 पूरे होंगे। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी, इसको इधर रख देते हैं। तो कुछ थापियाँ डालो, आग जल्दी जड़ गएगी तो फिर ये जल्दी बन जाएगी ना। तो हाथ आपके सीने आटा गूंदा है ना, तो हाथ को सुखा ना, फिर जो है ना कारने यो कर दो, थापियाँ डाल दो। रात ही मच्छर इतनी आए ना, ठंडक भी ज्यादा थी, मच्छर भी ज्यादा। पंखा चलाया नहीं ठंडक की वजह से। हाँ जी। तो फिर मच्छरों ने काटा है। बुशरा भी पूरी रात आपको पता नहीं सोई, मुझे लगता है इसको ठंड जो है ना वो ज्यादा पकड़ती है। हाँ, अच्छी नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना इसको गर्म चीजें खिलाओ ना। हाँ, तो ठंड से बचाओ। ऊपर जो है ना पसीना आ जाता है, रजाई जब ओढ़ते हैं, रजाई नहीं पहनती। हाँ, तो वो जो है ना उतार देती है, ऊपर वेब होती है, उसके साथ जो है ना खांसी इसको जो बढ़ जाती है। खांसी बढ़ जाती है। पूरी रात इसको नींद नहीं आई।
अभी अंदर सुला दिया है, मैंने कहा चलो अंदर सुकून से सो जाए मैं कलाजा। मैंने कहा कि पंखा चला देते हैं हल्का हल्का सा, रजाई में इसको ढांप लेते हैं ताकि मच्छरों से बच जाए। हाँ तो अंदर सुला दिया है, तो ऐसे वेब पड़ रही है ना जैसे सर्दियों की होती है, कपड़े भी गिले हुए हैं क्योंकि बारिशें हो रही है ना मुल्तान वाली साइड इधर उधर, तो ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी चेंज है। हाँ जी, इसी वजह से भी बच्चे भी बीमार हो रहे हैं जी, तो उसकी हिफाजत करनी होगी। देखेंगे आज का दिन देखेंगे, नहीं तो रात जो है ना अंदर सुलाएंगे बच्चे को। मैंने कहा ना बाहर ना निकलो, बस एक आध दिन गर्मी का आ जाता है, अभी देर है। आपको पता है फसल काटते ही हम अंदर सोते थे पंखे पे, गर्मी एक दिन हो जाती है फिर आप तो बाहर सो गए। उस टाइम अभी मौसम नहीं है, दो दिन बहुत हबस होती थी, इसलिए जो मैंने कहा चलो बाहर सोते हैं, और मच्छर भी ज्यादा थे क्योंकि इधर जाना न्यू आया है। हाँ। तो वो प्लास्टर वगैरह नहीं है ना, तो नहीं नहीं प्लास्टर की वजह नहीं है, इधर पानी साथ में उसकी वजह है। वो वजह यह है जब पहले हम उधर बैठे थे उधर मच्छर कम है, उधर नहीं, और इस साइड पे वो अमन खलील नहीं, वो कहता है मच्छरों का हशर है इस साइड पे, ज्यादा मच्छर हैं ये, उधर नहीं है। ये तो कोई वजह है ना, कोई पानी की वजह है या कोई और है? वो झाड़ियों की वजह है, पानी की नहीं, दरख्त पानी नहीं है इधर, कहीं से आपको पानी का दुबा नजर नहीं आता ना, तो बस वो नालियां हैं जो पानी, वो तो उधर भी है। हाँ जी, उधर भी बहुत है ना, उधर भी है, उधर इतनी मच्छर नहीं था जितना इतना है। हाँ, वो फर्क है ना, उधर झाड़ियाँ नहीं है, वैल है आगे। हाँ जी। जंगल परे है। हाँ जी। दूर से है जंगल जी, तो इधर जो है ना जंगल ज्यादा है झाड़ियों का, करीब करीब है, फिर वो कचरे वगैरह की वजह से, झाड़ियों की वजह से ना ज्यादा मच्छर है इधर, इसलिए बस ये है। थोड़े दिन जैसे थ्रेशने लगेगी ना, गंदम की गहाई होगी, फिर ये मर जाएंगे। हाँ, वो लुख पे हाँ, जब लुख गर्म हवाएं चलेंगी ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अभी तो हमारी जो है ना तबीयत बना लेंगे तबीयत, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बचाना पड़ेगा, अंदर सोना पड़ेगा, पंखा चलाना पड़ेगा, रजाई में सोना पड़ेगा। हाँ। ये होगा, नहीं तो वो मच्छर जाली रखी है ना, वो लगा के सुलाओ इनको, पंखा चलता रहे, मच्छर जाली में सोते रहे, नीचे जो है ना वो कलीन बिछा दो, मच्छर दानियां बिछा दो, हर कोई अपनी मच्छरदानी में सो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा आज से ही मैं करेंगे इंशाल्लाह, कल जो है ना सबको मच्छरदानी अंदर सेटिंग बना लो, इनकी अंदर सोए या बाहर सोए मच्छरदानी लगा के सो जाए। हाँ, मच्छरदानियां सही होती है। हाँ जी। कल उनको देखो, साफ करो मच्छर जालियों को, कपड़े शपड़ लगाओ, धूल मिट्टी जो है उनकी खत्म हो जाएगी, तो फिर इनको सुलाओ मच्छर जालियों में, इंशाल्लाह ऐसे भी करेंगे, नहीं तो ये बच्चे सारे ही बीमार हो जाने। तो मच्छरों की वजह से बीमार तो होती है ना, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार हो जाता है। हाँ जी, मलेरिया हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार, ऐसे बच्चों को जो है ना तंग करती है बीमारी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, की रात तो गुजर गई है ना। सब भाई बहनों को जुम्मा मुबारक हो गया हमारी तरफ से, आज तीसरा जुम्मा है माह रमजान का, माशाल्लाह पता ही नहीं चला माह रमजान ऐसे चला गया है, मेहमान था बस एक महीना, परदेसी महीना। हाँ जी, मेहमान है, चला गया है, बाकी थोड़े दिन रह गए हैं, 10-12 दिन, वो भी 10-12 दिन रह गए हैं, पता ही नहीं चला माह रमजान, जा पहला रोजा रखा था आज 18वां रोजा है। हाँ जी, बस इस दिन जो है ना बस 3-4 रोजे बचेंगे, चौथे जुम्मे में। हाँ जी, 4 रोजे बचेंगे, 5 बस, एक जुम्मा और आना है। हाँ जी, माशाल्लाह जी, चाय हमारी बन चुकी है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है रोटियां बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी दही रखी हुई है, और ये हमारी चाय, ये हमारा पवला नीचे गिर गया है, पता नहीं इसको जिन हो गए हैं क्या, जिन्नात है क्या, ऐसे रखा तो उल्टी खा के इधर आ गया। उसका ये सालन भिंडू वाला है ना। हाँ जी। इसको सोड़ करना और नमक भी अभी डाल देना थोड़ा सा। हाँ जी। राती नमक कम था, अभी नमक डाल के ना इसको सोड़ करो थोड़ा, फिर जो है ना ये मजेदार बन जाएगा, राती फीका फीका लगता था। ठीक है, चलो और डाल देते हैं। हाँ, क्योंकि अभी मैक्स हो जाएगा ना। हाँ जी, गरम हो गया तो मैक्स हो जाएगा। चले, सालन गरम हो जाता है, फिर जो है रोटियां बनाते हैं। आटा भी अच्छा तरीके से रस चुका होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी। इनको भी काफी देर हो गई है चाय बनाते बनाते ना, ये रस गया होगा। हाँ जी, ये तो रस गया है।
अच्छा मैं जो उधर गया ना, मैंने कहा कि दही वाले डब्बे लेते हैं, शहर जो गए थे ना, दही रखने वाले या सब्जी रखने वाले जो फ्रिज में डब्बे नहीं रखते प्लास्टिक वाले, डोंगे बोलते हैं उनको, तो वो लेने गए तो उधर मिले नहीं। मैंने जो डब्बे देखे ना ऐसे वाले रखे थे, रुखसाना ने कहा ये तो पहले से हमारा रखा है डब्बा, तो आपने ये भी उठाया? मैंने कहा ये साले तो नहीं डाल रहे नहीं सोने लग रहे थे, मैंने कहा ये तो है इसमें सालन आ जाएगा, लेकिन आपने कहा जो ये ऐसे भी कलर है, हाँ मैं समझाएगा, मैंने कहा सोना कलर है इनका, जब मैं देखा तो मैंने कहा ये तो डिब्बे है ना सालन वाले, क्योंकि वो हर कलर के होते हैं, खाने बने होते हैं, ये किस लिए उठा रहा है, वो तो लेने हम दही के लिए, दही के लिए सालन के लिए, लेकिन वो नहीं है, नहीं थे उस दुकान पे। चलो खैर और कल जाएंगे ना दवाई लेने बुशरा की, फिर देखेंगे और दुकान पे अच्छे अच्छे डब्बे ले आएंगे, दो डब्बे ले आएंगे दही के लिए और सालन के लिए। हाँ जी बस दो भी लेने हैं दही और सालन के लिए, क्योंकि सालन जो है ना बाहर रखने में पवीलियाँ इतनी तंग करती है और फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज चला देंगे, हाँ जी उधर तो सही रहेगी ना, हाँ उधर चलती रहेगी वो, सुकून से रखती रहती है। चलें सही है, जल्दी जल्दी से इनको छोड़ कर देना, ऐसे जैसे मछली फ्राई होती है, फ्राई कर दो इनको बस, माशाल्लाह फ्राई हो गया। माशाल्लाह जी पेड़े बन गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह रोटी बनाना शुरू कर दिया है। हाँ जी रोटी बनाना शुरू कर दिया है, लेट हो रही है, 50 मिनट रह गए, 50 मिनट रह गए, काफी है ना इंशाल्लाह, 50 मिनट में हम सैरी भी कर लेंगे, खाना भी हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तभी भी चढ़ा दिया, हाँ जी रेलगाड़ी भी आ गई है, उसका टाइम है ना, इस टाइम ज्यादा चलती है, गड़गड़ करते आती जाती है, आती जाती है, पूरा दिन इतनी नहीं आती है, रात को ज्यादा चलती है, ज्यादा चलती है, एक आती है और दूसरी जाती है, ऐसे बहुत आती है, हाँ क्योंकि रात का इनका सफर होता है, हाँ रात को सफर अच्छा होता है ना, हाँ जी इसलिए ज्यादा रेलगाड़ी रात को ज्यादा चलती है जी, दिन को कम चलती है, कम चलती है। चले खाए रोटियां बन जाती है, फिर सैरी करते हैं इंशाल्लाह। थापियां आज कितनी पड़ी है, आज की है ना, आज की है, चलो आज तो दवाई लेने चलेंगे ना, चलो कल ले आएंगे थापियाँ, हाँ कल ले आएंगे, कल जाएंगे उनको कहेंगे जो आप जो है ना रक्षे पे पहुंचा दो हमें, हाँ उनसे बातचीत करते हैं, डेली हमसे मोटरसाइकिल पे नहीं उठाई जाती, नहीं उठाई जाती, तो उनका रक्षा है, उनको हाँ। कहेंगे कि आप किराया ले लेना जी, तो ये जितनी थापियाँ बनती है ना हमें रक्षे पे डाल दो, डाल दो जी। वो इधर आके दे जाएगा, बस जितनी उनको कहेंगे वो आपकी सूखती है बनती है ना, जब रिक्शे का चक्कर बन जाए इधर डाल पहुंचा दिया करो और अपना किराया ले लिया करो, हाँ जी सही है ना जी, बिल्कुल ये सही रहेगा। तो ऐसे हम एक गट्टू लेके आते हैं, वो 4 दिन का होता है, फिर हमको जाना पड़ता है क्योंकि 300 का पेट्रोल और 200 के थापियां 500 रुपए लगता है एक चक्कर, 4 दिन की थापियां होती है, हाँ जी वो पहुँचा देगा इंशाल्लाह, तंदूर भी बनाएंगे ना कल से, तंदूर बनाएंगे तो फिर जो कल टाइम नहीं मिलेगा, दवाई लेना जाना है, हाँ देख लेंगे, तो मिट्टी वगैरह तो इकट्ठी करनी है ना, चलो देखेंगे, हाँ जी हाँ। माशाल्लाह जी कुछ जो है ना रोटी बन चुकी है, अभी जो है भिंडियों का सालन पाया जा रहा है माशाल्लाह, आज इतना जलाया देगड़ी को, कल इसका जल गया, जब भिंडियां बनाते हैं ऐसे हो जाती है, क्या वजह होती है ना इसकी लेस की वजह से, वो लेस जल जाती है ऐसे जी, चलो का हाल भी नहीं रहता, जल जाती है, हाँ जी काली हो जाती है ना, सड़ जाती है साल, फिर आग है ना सिलेंडर से इतनी नहीं जलती, सुकून से बनती है, सिलेंडर की बात ना करो फिर रोटी नहीं टूटेगी ऐसा खुद कहते हो कि सिलेंडर वाली रोटी हमें नहीं चाहिए, नहीं खाने, हम नहीं खाई नहीं है ना खाते हैं, क्योंकि वो उसकी हवा जो होती है ना गैस वाली हमको नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती, हाँ जी सही बात है, इसीलिए फिर सिलेंडर की बात क्यों की है आपने, वैसे मैं बात की, मैंने कहा सिलेंडर पे जो है ना इतना ये नहीं सड़ती, क्योंकि आग जो ज्यादा गर्म होती है जलती नहीं, आग कभी ठंडी हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तो रोटी जल जाती है, ठंडी हो जाती है तो रोटी नहीं सूख जाती है, अकड़ी जाती है, ये फर्क पड़ जाता है, सही है। चल जी हम भी सैरी करते हैं, ये है हमारा सालन है ना, रोटी भी आ चुकी है,
बिस्मिल्लाह जी, जिसने सैरी करनी है आ जाओ। भिंडियों के साथ न्यू सब्जी साल में पहली दफा आई है, हर साल यानी आती है, आती तो है इस टाइम में, लेकिन साल बाद मिलती है, साल बाद बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, और काफी देर ये रहती है। हाँ जी, अभी आई है ना न्यू, तो जब तक तो कपास की जो लकड़ी नहीं काटी जाती उस टाइम तक ये रह जाती है। हाँ, 4-5 महीने रहती है ना। हाँ, अभी इसकी मौसम शुरू है। हाँ जी। अभी नमक डाला है, मजे की बनी है। हाँ, अभी डाला है। रात ही फिक्की फिक्की लगती थी वो, मैंने पहले चखा था, हमें अच्छा लगता था, मैं इसीलिए मैं नहीं डाला। मैंने कहा कोई खाते हैं कोई नहीं खाते हैं। हाँ। तो जिसको फीका लगेगा वो आप डालेंगे, उन्होंने कहा ज्यादा फीका है, मैंने कहा चलो अब तो बन गई है ना, अब ज्यादा नमकीन है इसलिए तो मैं नहीं डाला ना ज्यादा, मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा फिर नहीं खाई जाएगी। हाँ, ये तो है। मुर्गा बुला रहा है, जल्दी आओ रोजेदारो, वो कहता है टाइम हो गया है आपको, दिन होने वाला है। हाँ जी, जल्दी रोजेदारो, जल्दी उठो। हाँ जी, अभी इंशाल्लाह सब लोग आ रहे हैं ना अफ्तारी सहरी करने के लिए, सहरी का टाइम हो गया है, वो भी बुला रहा है सबको। रुखसाना मुझे दही दे दो, मैंने भिंडियाँ खा ली हैं। अच्छा। हाँ जी, अब दही मुझे मुंगरी में डाल दो, इसमें डाल दो, कुछ नहीं होता। मैं इसलिए देख रही थी। नहीं, ये भिंडियों वाली है ना, सालन मारे क्या भिंडी, यो दही लड़ जाएगी, खाऊंगा। नहीं, वो तो कुछ नहीं कहती, कोई खाते हैं कोई नहीं खाते, चार ही चार ही बन जाएगी, चीनी तो है नहीं थे। कुछ नहीं है, खत्म हो गई है। और ले आओ, कहाँ पे रखे चीनी, आज राशन भी लेना पड़ेगा, खत्म हो गया राशन, खत्म हो गया। हाँ जी, चलो आज को जो है ना 10-12 रोजे जो रह रहे हैं ना, कल 4-5 रोजे कल ले आते हैं इकट्ठा, फिर देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुंगरियां खाली कर लिए, ये सालन वाली थी इसमें दही डाली, फिर मैंने वो दही भी खा ली, रोटी जो है थोड़ी सी बच गई है, ये मैं मुझसे नहीं खाई गई। तो रुखसाना, आपने मेरे घर में रोटी भी बना ली है ना, 2-3 पेड़े रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी चाय पाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, माशाल्लाह जी। चुप चुप, मौलवी क्या कहता है, चुप। दस मिनट है, चाय पी लेंगे। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी अजानें भी हो रही हैं, तो अभी हम जो है नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे सुबह, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाना है, आज है जुम्मा, उनको जो है ना छुट्टी मिलती है जुम्मे वाले दिन जल्दी, 12 बजे मिलती है ना। हाँ, तो वो नाश्ता वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करेंगे, फिर उनको स्कूल भेजेंगे, स्कूल जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप सब ने हमारे साथ रहना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, इंशाल्लाह आप सब ने हमारे साथ रहना है, वीडियो स्पेक बिल्कुल नहीं करनी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है, हम भी आज हो चुके हैं, और बच्चे लोग जो है ना माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल जाने की, तभी इंशाल्लाह मैं भी उठ गई, उनको देती हूँ नाश्ता, वो चलेंगे स्कूल, तो इंशाल्लाह सब बहन भाई हमारे साथ रहना। तो अयूब खान जो माशाल्लाह तैयारी करके आ गए हैं, अभी ये देखिए रोटी भी अपनी उठा रहा है, तो इन्हें जो है ना स्कूल की तैयारी भी माशाल्लाह कर लिया है, ऐसे ना अयूब? हाँ जी, अभी इंशाल्लाह इधर बैठ जाओ, मैं आपको खुद उठा के देती हूँ, ये रख दो ऊपर, रख दो, हाँ इधर रख दो, हाँ आ जाओ इधर बैठो, मैं आपको सालन भी देती हूँ, रोटी भी देती हूँ, रोटी उठा ली है, चलो ठीक है आपको सालन देती हूँ, चलो चलते हैं बैठते हैं इधर। ये देखिए ये रोटी रखी है, ये जो है ना हमारा सालन रखा है, अयूब खान भी बैठ गया है, अभी इनको जो है ना नाश्ता देते हैं,
ये नाश्ता करके चले जाएंगे सकूल। अभी आपको किस चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए? सालन चाय? सालन, ठीक है अभी इसको सालन देते हैं। अरीशा भी तैयारी करके आ गई हो? ठीक है, अभी अरीशा भी तैयारी करके आ गई है। आप जो है ना बैठो, आपको खाना देती हूँ। अयूब भी खा रहा है, ये देखे इस साइड में आ जाओ। ये देखे अयूब भी खा रहा है, आप भी खाओ, ठीक है? तो और फातिमा, इशरत, महबूब वो आएंगे, ठीक है? महबूब तो अभी देखे वो तैयारी करके फिर सवार ओढ़ के सो गया, वो कहता है हम नहीं खाते। तो आप जो है ना आ जाओ खाओ। आपके मेरे पैसे, बस पेंसिल, चीजी के लिए पैसे है, तो कल चल लिया है ना सामान। आपके मेरे दो पक्के अयूब, आप नहीं लेना महबूब, ठीक है? चलो ये एक 50 वाला रजिस्टर इसको दिला देना, ठीक है? दो कापियां, दो 50 चलो सबको मिल चुके हैं। जाओ अरीशा, ठीक है? अभी सब तैयारी करके देखे आ गए हैं, ये जो है ना जा रहे हैं सब। चलो उसका बैग भी वो खड़ा है, चलो इसको बाहर निकालते हैं, अब गेट बंद करते हैं। वसीम भी आया है इधर, साथ जाएंगे। आप वसीम उधर पढ़ते हो, उस स्कूल में पढ़ते हो आप भी? ये उधर से जाते हैं, फिर हम एक साथ जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इस दरवाजे में जाओ आप। नहीं खुलती, ऊपर जो है ना कुंडी लगी हुई है। चलो गेट जो है ना खोल दिया, और बच्चे लोग माशाल्लाह साथ जा रहे हैं स्कूल। ये देखें, अभी एक साथ जाया करो, एक साथ आया करो, ठीक है ना? अकेले अकेले नहीं आना, क्योंकि सफर की बात है ना। सब लोग जा रहे हैं माशाल्लाह, इनको चीज़ के पैसे भी दे दिया और सामान के भी दे दिया, ये सब जा रहे हैं। बच्चे लोग माशाल्लाह स्कूल चले गए हैं, हम जो है ना अपने घर का काम शुरू करते हैं, जैसे रोज़ की रूटीन होती है हमारी माशाल्लाह। तो ये देखें, ये जो है ना चारपाई अभी पड़ी है बाहर, ये भी अंदर डालनी है, रजाइयाँ भी डालनी है। ये देखें इस साइड में मुकम्मल ये चारपाइयाँ और रजाइयाँ भी उठानी है। और बेबो इब्राहिम ये भी हमारे घर से आए हुए हैं बच्चों से के साथ खेलने के लिए, वो स्कूल चले गए, ये अकेले खड़े हैं अभी। तो अभी इंशाल्लाह ये उठाते हैं, सहन पे भी झाड़ू लगाना है। ये देखें ये कचरा पड़ा है, अभी ये भी लगाएंगे। और जो है ना वो किचन में बर्तन वगैरह पड़े हैं, वो भी इंशाल्लाह उठाते हैं, वो भी धोने हैं सब। अभी बच्चों ने नाश्ता किया ना, सब देखे खिले पड़े हैं किचन के बाद, आप देखे कैसे हुआ पड़ा है। अभी इंशाल्लाह ये भी इकट्ठे करते हैं और धुलाई करते हैं, तो इंशाल्लाह सफाई वगैरह भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे बर्तन हमारे जो है ना इकट्ठे होके आ गए हैं नल पे, तो अभी इनको धोना शुरू करते हैं। ये देखे कितना सारे बर्तन है, तो इसको धो के फिर जो है ना ये चारपाइयाँ और रजाइयाँ उठाएंगे। अभी धूप माशाल्लाह अच्छी खासी आ गई, देखें सूरज की ललाई देखें कैसे है। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो जैसे जैसे होती रहेगी वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन वगैरह जो है ना धो लिया मैंने, तो अभी जो है चारपाइयाँ उठाते हैं, कपड़े भी अंदर रखते हैं, रजाइयाँ वगैरह वो भी इंशाल्लाह रख के आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए ये पड़ी है, एक चारपाई जो है मैं उधर डाल दी है इस रूम में। ये देखिए इधर जो है ना डाल दिया है, इसके ऊपर जो है ना रजाई रखेंगे, फिर जो है ना क्या हो गया है बेबो? डोंगी आ रहा है, कहाँ से आया डोंगी? ख्याल करना, ख्याल करना, काटे ना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह चार पाया जो है ना अंदर डाल दिए और कपड़े वगैरह भी रख दिया है। तो अभी जो है ना जा रही हूँ मैं पानी के लिए बर्तन देने, क्योंकि पानी जो है ना इधर का हमें अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो पानी अच्छा है, तो वो तो घर का इस्तेमाल करते थे, हम जो है ना वाटर सप्लाई वाला इस्तेमाल करते थे। बच्चे जब पीते हैं वो पेट में दर्द हो जाता है, तो इसलिए जो है ना करीब पे हैं वाटर सप्लाई घर में लगी हुई है, तो उनको बर्तन दे के आते हैं सब लोग गांव वाले, तो वो भर के रख देते हैं, जब जाते हैं वो उठा के ले आते हैं। तो हम भी ऐसे करते हैं, आज मैंने कहा चलो मैं बर्तन दे आती हूँ, तो पानी जो है सो उधर से भर भर के रख देंगे फिर उठा देंगे।
तो अभी जो है ना चलते हैं। ये देखिए कूलर मैंने धो के रख दिया, अभी ये जो है ना दोनों कूलर दे के आते हैं तो वो पानी भर के रख देंगे, फिर जो है ना हम उठा लेंगे। तो अभी जो है ना झाड़ू वगैरह ये देखिए मैं अभी नहीं लगाया, ये जो है ना झाड़ू भी लगाना है, तो फिर जो वापस आऊँगी तो झाड़ू लगाऊँगी। ये दो चारपाइयाँ भी पड़ी है, अभी ये भी इस साइड में रख देंगे बरामदे की, क्योंकि ये कमरे की छाँव होती है तो इधर भी बाहर पड़ी रहेंगी, अंदर जगह नहीं है। तो अंदर वाली जो है ना वो सारी डाल दी, अभी दो चारपाइयाँ जो है ना इधर भी रहती है, क्योंकि इधर भी बच्चे लोग आते हैं बैठ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जाती हूँ पानी के लिए बर्तन दे के आती हूँ, फिर जो है ना आगे का काम आपसे शेयर कर। अल्हम्दुलिल्लाह पानी लेके आ गई हूँ, तो एक कूलर जो है ना उधर रख दिया है, दूसरा कूलर जो है ना उन्हें पानी पा लिया है, क्योंकि पानी जो है ना अभी आया नहीं है, तो घर में रखा था तो उन्हें दे दिया है, उन्हें कहा चलो बच्चे पियेंगे, तो वो जो है ना दूसरा कूलर आप जिस टाइम ले जाना पानी आ जाएगा हम भर के रख देंगे, फिर जो है ना आप उठा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी दोनों तो वैसे नहीं उठाए जाते तो एक मैंने उठा के आज ये देखें ले लिया है। अभी ये जो है ना पानी भरा रखा है, बस बच्चे जो है ना पियेंगे। अभी इंशाल्लाह मैं जो है ना झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, पूरे साइड में ये देखिए कचरा पड़ा है, अभी बस ये आखिरी काम है ये करके फिर जो है ना आगे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ू वगैरह जो है ना लगा दिया है पूरे सहन में, ये देखें पूरे सहन में झाड़ू लग चुका है, तोड़ो तोड़ ये देखें। अभी इंशाल्लाह और सेटिंग भी करनी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप सब हमारे साथ रहना है, वीडियो फुल वॉच करनी है, वीडियो सब एक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी अभी मैं नींद से उठ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश फ्रेश भी हो चुका हूँ, ड्रेस भी चेंज कर लिया है। आपको पता है आज जुमातुल मुबारक का दिन है, माह रमज़ान का तीसरा जुमा, तो जुमा अदा करना है, हमने तैयारियां शारियाँ कर ली है। तो अभी रुखसाना को कहता हूँ चलते हैं उधर सबा अहमद के घर, उधर थोड़ा सा काम है अहमद के पास, तो वो करके आते हैं इंशाल्लाह और आपको भी शेयर करते हैं। आप सब ने हमारे साथ रहना है, चलें रुखसाना। हाँ जी चलें, बाइक पर चलें या पैदल चलें? पैदल चल जाओगे? आपको पता है बाइक पे जाना है तो बाइक पे जाते हैं, सफर तो ढेर सारा है, सफर एक दो एकड़ है, पैदल जाएं तो आहिस्ते आहिस्ते चलते, दो तीन एकड़ है, चलो चलते हैं, आहिस्ते आहिस्ते चलते जाएंगे। हाँ बस ऐसे व्यू भी दिखाते जाएंगे, हाँ। बाहर का माहौल दिखाते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे पहुंच जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएंगे, जब हाँ 5 मिनट भी लगे, हाँ 1 मिनट भी लग जाए, 1 मिनट तो नहीं स्पीड जो ज्यादा 1 मिनट लग सी, स्पीड नहीं होती इतना, स्पीड का ना देवी नहीं, चलो स्पीड नहीं देवी नहीं, चलो सी स्पीड नहीं से देने हौले हौले मैंने है। अभी हम जा रहे हैं माशाल्लाह सोने सोने से जानवर खड़े हैं, जिसको भैंस बोलते हैं गाय बोलते हैं, वो इधर खड़ी हुई है, हाँ जो हमारी गाय थी ना इस कलर की थी, इसके सिंग जो है ना छोटे हैं उसके सिंग, ये डब्बी है वो सिंगली थी, उसके सीधे सिंग थे, इसके डब्बे हैं नीचे है, कलर तो वैसे का वैसा है ना, हाँ। और जंगली जो है ना ये है दरख्तों वाली जंगली, सर सब्जा, हाँ इधर पे है, इधर से रास्ता है, वो कैसे आज जंगल में मुझे लेके जा रही हो, कहीं शेर ना खा जाए, हाँ ये तो है, अकेला आपको तो नहीं ले जाएगा। अच्छा मुझे भैंस क्या कहती है, देखिए आंखें ओ नहीं डराना हमको, अभी इधर भी बैठी हैं माशाल्लाह, सब ने माशाल्लाह कहना है जी, जंगल में मंगल लगा हुआ है, हाँ। और कुतिया भी बैठी है, ये वो वाली है, हाँ, जो हमारे घर से साथ बैठी होती है, वो हमको जानती है, हाँ। हमको जानती हो ना आप, उनको पता है, सो जाओ सुकून से, उधर के रिहायशी है, हाँ उधर के रिहायशी है। अच्छा ये जो आप ये है, ये प्लाट है, बिकाऊ है, ये जो ढींगरी लगी हुई ना ये वाली, हाँ। सामने ये वाली ढींगर, ये इधर से लेके ना, हाँ। इधर से लेके ना ऐसे वो जहाँ तक जानवर है ऐसे, हाँ हाँ जी ये हाँ ये सारा प्लाट बिकाऊ है। अच्छा हाँ जी, ये तो दरख्त भी है साथ में, हाँ ये मजे का जंगल बना हुआ है, ये ऐसे क्योंकि जानवर की छांव बनी हुई है, जानवर की छांव भी बनी हुई है, ये बीज ऐसे है, ऐसे आप पे भी हो जाती है। और खूबसूरत कितनी है, हाँ खूबसूरत कितनी है, बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त है ना, जबरदस्त भी है माशाल्लाह, सब्जा
अभी ये हर किसी के अपने प्लाट है ना, वो खुद ही लकड़ी काटते हैं, नहीं तो हमने खान को जहां भी। ये क्या है रुखसाना, ये वो अहमद दो करने वाली है, दो करने वाली, इसको अहमद क्या कहता है पता नहीं, कोई नाम लेता है इसका, पता नहीं क्या इसका नाम, पता क्या रखा हुआ उसने, हमें क्या पता, ये झुग्गी बनी हुई है। हाँ, ये इसका घर है, गद्दा था, इधर सर्दियों में बांध ही जाती थी। अभी तो गर्मी आ गई, बस इधर रात दिन खड़ी रहती है। चलें जी, ये अहमद जो दो पोषण बना रहा है ना, वो वाले हैं। तो ये नाल लगा हुआ है, देखिए अभी इधर रखी है, मैंने कहा अहमद से पूछो, छोटे छोटे जो भी है ना डुकरे। अच्छा क्या करना है, तंदूर लगाना है, अच्छा वो तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, काम हो रहा है ना, ट्राली भी, एक ट्राली डुकरे की भर के ले जाते हैं। हाँ, उधर भी पड़े हैं। हाँ जी, तो तंदूर लग जाएगा, तंदूर लग जाएगा एक ट्राली से। हाँ जी। अच्छा कुछ घर भी पड़े हैं थोड़े बहुत, हम कह रहा है इतना बड़ी बंदर बनानी है, बस थोड़ा सा खुरा बनाएंगे जो तंदूर आ जाएगा। अच्छा, एक थाल के लिए बनाएंगे, जो रोटी वाला थाल भी साथ में रखेंगे और आटे वाला भी साथ में रखेंगे, रोटी बनानी होती है ना, तो ऊपर थल भी बना के रखेंगे। चलो जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे, आज तो जुम्मा है ना। हाँ जी, तो आज तो टाइम मिलेगा तो ट्राली ले जाएंगे, नहीं तो फिर कल ले जाएंगे। और ये भी है ना, ये वाला उधर से लेके ना, वो जो नुक्कर खड़ी है ना, ये दीवार इधर से लेके ये इधर तक, ये चौरस प्लाट है, तकरीबन 10 मरले का है, पता नहीं 20 मरले का है। ये बड़ा मज़ेदार प्लाट है, ये खरीद फरोख्त हो रहा है। इधर जो वो सब्जी उगाते रहते हैं ना, देखो बहुत ही प्यारा प्लाट है, बहुत अच्छा। अगर ये मिल जाता ना हमें, ग्राफ्ट भी है, अगर पैसे हम हमारे पास कुछ होते तो हम ये ले लेते। ये 2 लाख रुपए मरला है, हमारे बहन भाई देखते हैं इंशाल्लाह। 2 लाख रुपए मरला है, ये बनेगा 20 लाख का, 10 मरले। दीवार भी डली हुई है, चौदीवारी, चौदीवारी भी है ना। ये मुर्गियां ये हैं, चुग रही हैं, वो बाहर निकल आती है। हाँ जी, ऊपर से दीवारों के ऊपर उड़ के आ जाती है बाहर। खैर इंशाल्लाह हो जाएगा, कहीं से वसीला बन जाएगा इंशाल्लाह, अपना भी ले लेंगे। रिक्शा बाहर खड़ा हुआ है, हाँ ये तो इधर खड़ा है, गाड़ी नहीं खड़ी हुई है अंदर बाहर, गाड़ी तो अंदर लगता है। आज इधर भी पानी लगा हुआ है, हम पौधे को पानी लगाते हैं, घर तो रेती होती है ना, जब धूप आती है। चलो देखो, पहुंच चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, हर कोई सो रहा है, अभी पता नहीं नींद में है या नहीं, आवाज आ रही है, मुझे लगता है वो कर रहे हैं, कोई उनका काम कर रहे हैं। ये क्या किया, कूलर पंखे को ऊपर रख दिया है, सफाई की होगी इधर। अच्छा, अच्छा। सफाई जो की है ना, फिर वो ऊपर मुझे लगता है वो लाइट चला के बैठे हैं, हमको कहते हैं आप सो जाओ, टेप टेप करते हैं, आप रात दिन लगे हुए होते हैं। चलो जी, माशाल्लाह फाइनली पहुंच चुके हैं, ये दोनों पहले कर रहे थे पता नहीं टेप टेप। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रुझे हुए थे, ये दूसरी बार मिल रहे हैं। मैं भी टेप टेप करता हूँ, पर ये मुझसे ज्यादा कर लिया इन्होंने। नहीं, हम तो हफ्ते बाद आज 2-5 मिनट बैठे हैं, वो भी किसी के आसर पे बैठे थे। अच्छा, वो वैसे भी नहीं आए, वो नहीं आया, तो इंशाल्लाह आज का आसरा किसी का नहीं करना, अल्लाह का आसरा है, अल्लाह का आसरा है, अल्लाह पाक कभी भी नहीं छोड़ता। बिजली भी चली गई है लगता है, लाइट चली गई है। अच्छा, और सुनाए आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, 18वां रोजा है, उम्मीद है 18वां है, आज तीसरा जुम्मा है माह रमजान का, अगला आखिरी है, आज आखिरी जुम्मा।
नहीं एक आएगा जुमा कभी कभी पांच भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पहला पहला रोजा ही जुम्मे को हो जाता है या दूसरा रोजा जुम्मे को हो जाता है फिर उसमें पांच जुम्मे आ जाते हैं। अगर तीस रोजे बनते हैं तो फिर पांचवा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा लास्ट जुम्मा होगा फिर। नहीं वो ईद आएगी, अगर बने तीस तो जुम्मा को ईद होगी, अगर बने उनतीस तो जुमेरात को ईद होगी, जुमेरात को ईद होगी। देखते हैं जी मौलवी किस दिन ईद रखते हैं, लेकिन कभी तीस आजकल के जो हालात चल रहे हैं आजकल मौलवी फैसला करते हैं, वो चांद नहीं फैसला करता, चांद आए ना इन्होंने फैसला कर दिया, उसने दूर भी नहीं लगा लेनी है, दूर भी नहीं लगा लेंगे और फिर ऐसे बोल देंगे हाँ ईद है बस। हमने दो बजे तक चलता है मजे की बात यार। एक चीज देखे, चांद जो है ना वो छह बजे नजर आ जाता है, छह बजे साढ़े छह बजे मगरब के टाइम, आठ बजे सात बजे ठीक है, साढ़े छह आ गया सात बजे फैसला सुना दो, रात के 12 बजे फैसले आते हैं, 12 बजे कहते हैं सुबह ईद है, मशवरे करते हैं कहते हैं आवाम सो जाएगी फिर हम फैसला कर लेंगे। तो उनकी आंखें क्या बड़ी होगी जो, और उनकी तनख्वाहें जो है ना करोड़ों रुपए उनकी तनख्वाहें है, दूरबीन लगा के देखते हैं सिर्फ चांद बस। अब क्या फायदा यार, आप तो हम चांद देख लेते हैं, दूरबीन के बगैर देख लेते हैं, जो खुदा की दीदी दीद है वो नहीं देख सकते। बिजली आ गई है, शुक्र रुखसाना कहती है हमने लिया है तंदूर तो डुकरे शुक्र तुम्हारे पास चाह गिनू असा तंदूर तंदूर पूर्ण है, एक ट्राली हाथ थाली हाथ थाली ट्राली में ताकि ट्राली मैं वाला हाथ थाली आके चुप कर गए चुप कर ना पूछे आई कने एक ट्राली तो आके एक तंदूर के लिए एक ट्राली क्या करोगे। वो पता है क्या, वो कल मिस्त्री ने कहा कि आपके ना दो मकान रहते हैं तो उसके लिए ना आप एक ट्राली मंगाओ ये डुकरू की ना जो आप कह रहे हो, एक ट्राली आके मंगवाओ डॉक्टरों की। मैं कह यार डॉक्टरों के बगैर फर्श नहीं डलता क्या, कहता है डलता है, उसमें ईंटें लगा देंगे नीचे नीचे ईंटें लगा के ना उसकी भराई कर देंगे। मैंने कहा आप ईंटें लगा के भराई कर देंगे, आज जुम्मा है ना छुट्टी है फिर ना अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो फिर ईंटें लगवा के ना करवा रहा हूँ, डुकरे नहीं मंगवाए, हाँ वो डुकरे डाल रहा था, ईंटे बच रखे हो, जो चीज ईंटे भी काम पड़ेंगी तकरीबन 2000 ईंट और जरूरत होगी तकरीबन। चलो जितना काम होगी वो ले लेना, अभी जो रखी है वो काम करो, थोड़ी बहुत ही जितना होगी इधर से ले लेंगे, ट्राली नहीं मंगवाएंगे ना। तो बस अल्लाह खैर करे, ये जेड़े जितने डुकरे मुकरे हैं ये ईंटे शीटे ये सारी देखना आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, सब लग जाएगा फर्श बन जाएंगे। वो आ गए हैं कौन, बेबो हसन ओयो सुमैया बुशरा इब्राहिम, हाँ वो चीज ही लेने गए थे हमारे घर से, तो उधर झगड़ा। अच्छा वो पहले दिन ना हसन को उधर उस जगह लेके गए ना, न्यू पता नहीं डर रहा है, दूसरा दिन इतनी रात को चीखे मारता है ना इतनी, फिर आज गए थे दान करवाने, नहीं अभी तो वो सो रहा है ना, जान है नहीं तो इधर एक और मौलवी साहब है दान करते हैं तो उससे हमने कहा दान करो, पूरी रात नहीं सोता चीखता है इतनी जोर जोर से ना, रात ही तो मैं ले गया मेरे साथ सही चला गया फिर वापसी सही आया, सही चला जाता है कुछ भी हो जाता है लेकिन रात को सोता नहीं, नींद में नींद पूरी रात, मतलब वो बंदा नहीं सोता पूरी रात नींद में नहीं, अच्छा इसलिए तो हमारी रात जाग नहीं हुई, ऐसे दो मिनट के लिए सोता है फिर ऐसे उधर का भर के ना चीखे मारना शुरू, वो पता नहीं चलता हो जाता है, आंखें कैसे करता है क्या लाता, आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह ऐसे ये लाल हो जाती है जगह ऐसे ड्रोना ड्रोना, दम करा दो ये भी कोई पता नहीं होता, हम खुद डर रहे थे रात उससे हसन जरी से हम डर रहे थे, कहाँ चले गए रिक्शे में बैठ गए ऐसे लगता है। चलो ठीक है रुखसाना क्या करें हम, अब डुकरे उठाने आज तो ट्राली ले आओ, आज निकम्मी खड़ी ट्राली जुम्मा ना जुम्मा मिस्त्री का नहीं ना, कल तो मिस्त्री हो सन वाला चा गिनसू ए सिला शिला काट के नंदू कर अलैदा था पे हो सन, आज तो ताया आप आके जो आज जुम्मा है आज तक घंटा खंडा है कि नहीं थी ना, मैं जुम्मा परसों या डुकर ढूंढा होन ता जा दांत आया, अभी हम जाते हैं पिछले हमारे हाउस का ना फर्श वगैरह भी डल गया है, सहन का फर्श भी डल गया है, आपने देखा है, नहीं हम उधर गए भी नहीं, सब को इजाजत करने सही है किए वन्यू, वो सब को इजाजत है मतलब खुले हुए कौन से उनके दरवाजे लगे हुए हैं क्या खबर, हमने कहा कोई पिछले
पोर्शन में कोई किराए वाला बैठो, ऐसे हम अंदर घुस जाए कोई फायदा नहीं है। अभी बांध रहे हैं, तैयारी है ना, जब मुकम्मल होएंगे तो फिर जाएंगे साथ बैठने के लिए आएंगे। चलो हम भी चलते हैं उधर जाके, हम भी विजिट करा लेते हैं। अच्छा चलो चलो, चलने की हस्ती है आपकी? अभी तो थक गए हैं, चाय निकाल के फिर चले गए। सही है, मैं देख रही हूँ बच्चों को, बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मेरे सोने मुंशी चावान जी को ढाक साथ, आप भी आ जाओ, ये रो रहा है, आओ आ जाओ आ जाओ, नहीं तो ये रोएगा। क्या कर रहे हो, रक्षा चला रहे हो, कहाँ पहुंच गए हो शहर? ये इधर बैठी हुई हूँ। दोनों इधर आ गए हैं। खेलो खेलो, ओ हसन भी आ गया है। ओए रुखसाना रुखसाना आ जाओ, वो विजिट करने जा रहे हैं, जो न्यू पोर्शन बनाया ना। हाँ जी। इसकी छत जब से डली है हमने इसको भी नहीं देखा है, ये नहीं, वाला अंदर से नहीं देखा ना, बाहर से तो देखा, बाहर से देखा है, पड़ोले का कैसा माहौल है वो, तो अंदर से नहीं देखा। हाँ सालों वाली साल बनी हुई है, साल बनी हुई है। मैं देख रही थी हसन जानी को, हसन जानी आ रहा था इसलिए मैं पीछे देख रही थी। हसन जानी को मुंशी ने उठा लिया है क्योंकि वो मट्टी जो है ना गर्म हो चुकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब कहते हैं हम भी चलते हैं। हाँ, वो कहते हैं घर जा रहे हैं, इसलिए भाग जा रहे हैं। घर नहीं जा रहे, इधर विजिट करने जा रहे हैं ना, तो पता नहीं है, देखे चीजी लेने गए थे तो फिर इधर आ गए। आपको बुला, शोर नहीं करो, नानी मेरी कहाँ जा रही है। हाँ जी हसन जानी, चलें जी, बुशरा भी आ गई है, बाकी बच्चे भी आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं विजिट करते हैं रूम का, इंशाल्लाह। ऐसे ना जी, हाँ जी, जैसे जैसे इंशाल्लाह बात करेंगे, जो भी बंदी हुई है और बांध रही है वो आपसे विजिट करेंगे, कराएंगे। इब्राहिम भी आया हुआ है, सब भी आ गए, सब बच्चे लोग इधर आए हुए हैं, अभी तो हम जा रही है इंशाल्लाह। हाँ तो जल्दी चलो चलो, ये बैठक बनी हुई है ना, देखो कितनी प्यारी बनी हुई है माशाल्लाह। अभी अंदर का विजिट कराते हैं, अंदर रख रहे सिले हैं, इधर आ जाओ। हाँ बस फास्ट डलेगा, प्लास्टर हो गया बस, इसका विजिट हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, देखिए साफ्ती सिले अंदर रख दिए, तो आप नहीं, वो साफ्ती लगा देंगे, डुकरे भी पैसों से आते हैं और साफ्ती भी पैसों से आती है। बस ये नहीं देखता वो जो चीज पड़ी है वो कहता है लगा दो बस एकदम, क्योंकि मजबूरी पार जाती है ना असल में। ऐसे आपको बताऊं कि जब बंदे के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जो चीज पड़ी होती है ना वो कहता है चलो ये काम मुकम्मल तो हो जाए ना, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये लगा दो। ठीक है, चले इधर 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 चलो, इधर आप उत्तरे पोर्शन में चले जाओ, ये इनका विजिट कर रहे हैं, आप इनका कर लो। उसके बाद ना ये वाले कमरे को अभी ताला लगा हुआ है, तो अभी चलते हैं उधर, आ जाओ, बहुत अच्छा भी है मेरे पास। बस वो वही सेम से बना के प्रेस कर रही हूं, नखरा चाहिए ना, उन्हें देखो वाह वे हसन लाख पोसे में। चले जी अभी चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, इधर चलते हैं। हसन ये क्या बना है, इसलिए पोसे में चलते हैं, आ जाओ। ये मुंशी क्या है, ये जो है ना इधर बात में मैसेज बना था इसे ऐसे, ठीक है, तो मामी का ऐसे नहीं बना ऐसे बना, तोड़ डाला। अच्छा सिले निकाल ले, निकाल ले और ये सही होगी, क्योंकि इधर जाना ये सहन कम हो जाएगा, इधर जाना ऐसे लंबी हो जाएगी दीवार, सहन सोना हो जाएगा। चलो हसन आ जाओ आ जाओ, ये कमरा है, ये बैठक है, ये किचन है, ये किचन है। हाँ।
इसमें जो है ना रोड़ा डला है अभी फर्श के लिए। अच्छा हाँ जी, प्लास्टर हो गई है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। छत तो डली हुई है ना, जबरदस्त लगती है। ये हो गई किचन, और ये हो गया रूम, और ये हो गया रूम। इसको ताला लगा है, इसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, समझा है आपने? किसमें? ये दोनों प्लास्टर नहीं हुए मेरे घर में। नहीं प्लास्टर हो गए, फर्श नहीं डला हुआ, फर्श नहीं डला हुआ। वैसे सामान रखा है ना, इसलिए रोड़ा कुत्ता हुआ है ना। अभी इसकी भी लग गई है, सफीले भी बन गई है, अभी खुली अलमारी बनी हुई है, बेहतरीन बर्तन रखने के लिए। ये कमरा भी खुला है, दरवाजा भी खुला है, बड़े कमरे हैं। यानी इन्हें दो कमरों में गुजरान चल सकती है बंदे की। जैसे ये पोशन है ना, और ये किचन भी है, और ये बैठक बैठक भी है। गर्मी के लिए नहीं है, हमें चाहिए खुला डुल्ला माहौल, हमें ये सौड़ा माहौल नहीं चाहिए। हसन जानी है, उठाओ ना इनको, आप उधर चलो खेलने दो यार इनको। ये रोएगा, सब चले गए हैं, रोएगा। वो जाता नहीं, चलो खेलने दो। बच्चों के साथ आ जाएगा, बस वो बैठा रहेगा इधर अकेला। आ हसन चलो, चलते हैं घर, आ जाओ। हाँ घर चलते हैं, बाऊ आ रहा है, आओ भाजो भाजो, चलो चलो घर चलते हैं, चलो चलो ओ। चलो चलो मुझे दो हाथ, चलो मुझे दो हाथ, आ जाओ। ये पोशन जो है ना, ये वाला, ये एक हो गया है, इधर दीवार लगेगी सामने, ये इधर से तोड़ो तोड़, ये पोशन अलहदा हो जाएगा। इसकी इधर से गली आएगी पतली से, जैसे ये जा रही है, ये गली जाएगी दूसरे पोशन में ऐसे। पहले भी एक दफा मेरे ख्याल में विजिट कराया था, काम हो रहा था, अभी तो काम हो रहा था तो हम विजिट कराया है। जब जो है ना इसका सहन भी ऐसे पड़ा था, ईंटें खिली पड़ी थी। आज तो माशाल्लाह फर्श देखो, आज सेकंड देखे ना अंदर आके, जबरदस्त बनी हुई है। ये माहौल वीआईपी है, छांव भी है इस साइड पे, ये बहुत प्यारा है। नहीं कुछ नहीं कहना, क्या हुआ? आ जाओ, गरम है, आ जाओ इधर, आ जाओ यार, ना हाथ लगाओ। मुझे हाथ दो, आ जाओ छांव पे, आ जाओ। थदी थदी आ गई है, थदी 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 छाए। ओए चुप, गैंगस्टर चुप। पहला रूम इनका काम मुकम्मल हो चुका है, दूसरे पोर्शन का प्लास्टर वीआईपी है। पहला रूम है ये, ये भी उस जैसा है वीआईपी। हाँ जी, इधर ताला लगा हुआ है, वो किचन है, आ जाओ फिर, इधर शोर ज्यादा है। डलवाएंगे डलवाएंगे डलवाएंगे। हाँ जी,
चलो खैर ये तो माशाल्लाह बस मैं यही कह रहा था, मैंने कहा अगर अभी सब तो एक कमरा बन जाता है ठीक है, एक कमरा उधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है ठीक है, और ये जो है ना ये हो जाए एक बरामदा, फिर तो आपको खुल्ला डुल्ला मॉल है और जिंदगी इतनी सुकून की गुजर गई आप हमेशा याद रखें। अभी भी इंशाल्लाह याद करते हैं, अभी भी काम है आपको जो है ना नहीं याद किया और यार रुखसाना और यार थोड़ा मेरे करीब हो जाओ, नजर नहीं आती क्या? बस इधर रुक जाओ, क्या सोचा है? क्या सोचूं? ये देखा जो है अभी सोच लिया है माशाल्लाह मकान तो बहुत अच्छे हैं, खुले भी हैं, तो सिर्फ ये है ऊपर धूप है, ऊपर धूप है, अंदर बैठ जाना पंखा लगा के। अच्छा। कूलर पंखा है वो दूसरे वाला भी है अंदर, वो आधे कमरे तक धूप पता है क्या देख। एक स्टूल बनवा लेंगे ना वो कूलर पंखे का, जैसे ये विंडो लगी है इधर फिट कर देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, सुकून से कूलर चलता रहे। मजे की बात मैं बताती हूँ आपको, दरवाजा बंद नहीं करने देगा वो, हवा नहीं आएगी, हवा जो है ना वो बैग जाएगी। अच्छा हमने रात ऐसे ऐसा किया। अच्छा रात ना हमने ऐसा किया तो दरवाजा फा करके बंद हो गया। अच्छा फिर हम दरवाजे को खोलते थे ना, मतलब ये हसन जानी बेबो जानी वो दरवाजा नहीं खोल सकता था, इतनी प्रेशर था। अच्छा जैसे दरवाजा बंद होता था कूलर पंखे की हवा अंदर नहीं आती थी, जैसे दरवाजा खोलते थे कूलर पंखे की फुल हवा आना शुरू। चलो खुला रहेगा कोई मसला नहीं, ठंडा को देखा नहीं तो नहीं ठहर गया था ना कमरा। मैं आपको क्या अभी ये घर हम जो है ना ले ये बैठे हम बताओ बताओ ये अच्छा है घर देखो ये सीमेंट प्लास्टर है वो कच्चा है। इधर बैठे इधर बैठे वो कहते हैं इधर बैठे सुमैया कहती है हाँ। चलें वायरिंग हो जाए बिजली की फिर देखेंगे इंशाल्लाह, वायरिंग करा लो बाद में। हाँ जी सेटिंग हो जाए फिर देखेंगे। हाँ फिर मड्डी उठा के ले आएंगे रमजान के बाद ही उठाई जाएगी मड्डी। हाँ। पहले के बाद देखेंगे ईद खा के, ईद खा के आपको बताती हूँ, ईद के बाद हम जो है ना सामान उठाएंगे क्योंकि हमारे थोड़े से बर्तन बचे हैं, हम इनको कर लें वो सब। हाँ वो तो अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, वो सामान उठाने में हमारे बर्तन खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्र तो मिली हाँ से ना वीडियो मिल गई, गली भी पक्की होगी, ये गली पक्की होगी बिल्कुल, जैसे ये फर्श है ऐसे पक्की होगी, और इसमें पानी की लाइनें जो है ना वो नीचे आ जाएंगी ऊपर सोलेंग आ जाएगी। वीआईपी मत खत लाई गली सटे सा अबू, यहां पे बड़े मजे की हवा, वैसे छोकरे जो ना उन्हें कोई नहीं खटड़े साडे सु सुकून अल बैठे रहे। अच्छा ये देना हमें ओतो का छत पा दियो, छत ना रात दा सुन से गर्मियां जो है धूप नहीं आएगी उधर हवेली देच जाएगी। हां और इधर ऊपर भी बंद कर सकते हैं हम, ऊपर अगर इसको बंद कर देना ये तो बड़े कमरे हो जाएंगे मतलब। हां जी वो बात का मसला है, पतले डाल के चलो इंशाल्लाह देखेंगे, अभी तो ऐसे सोच रहे हैं। अभी फैसला बताओगी इस वीडियो में? तो फैसला है बताओ। हाँ इस वीडियो में बताओ। हाँ इस वीडियो में सोचने बाद में बताएंगे, अम्मी कहते सोचने का टाइम दो दो दिन। चलो ये देखो प्लास्टर तो तोड़ दिया इन्होंने, ऐसा नहीं करना, सोचने का मौका दिया जाए। हाँ जी इतना जाल की से नहीं होगा। अच्छा क्या कहता है यू आर नॉट जाग रहे थे चार पांच दाह में। चलो ठीक है हाँ जी, तो यहाँ पर वीडियो था एंड करने पे हैं। अच्छा जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। पाकिस्तान पाक फौज सब बहन भाई अल्लाह हाफिज़।